पिपल साहब एक बात बताइए, आपने जो आंकड़े हैं वो सवर्ण जाति के बताए हैं 10%, ठीक है ना। अगर 10% आप सवर्णों को गिनते हैं तो मोदी सरकार ने टोटल ही 10% सवर्णों को दे दिया है आरक्षण, तो इसके बारे में क्या खुलासा करेंगे आप, उसके बारे में बताएं। जी ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो घोषणा की है उसमें उन्होंने बोला है कि हम 10% सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने आंकड़ा अभी आपको दर्शाया वो आंकड़ा कहता है कि अकेले जो पूरे सवर्ण जो हिंदू सवर्ण है, ब्राह्मण कास्ट, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों मिला करके इनकी आबादी 10.6% होती है, उसमें से 10% आपने आरक्षण दे दिया तो 0.6% ही बचे। जो अमीर सवर्ण हैं वो तो 0.6% बच गए। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो नौकरियां हैं, नौकरियों की अगर आप गणना करें तो लगभग 77% जो नौकरियां हैं वो अकेले इनके पास हैं, एक कम्युनिटी के पास है। अभी मैं इनका देख रहा था, जो इसके बीजेपी के सांसद हैं उदित राज जी, उन्होंने एक डेटा दिया था कि उन्होंने इसका विरोध किया है, उन्होंने बताया है कि ये जो इस देश के अंदर 3600 IAS हैं, 3600 IAS हैं, उसमें से 2600 ब्राह्मण हैं जी, 3600 IAS में से 2600 ब्राह्मण हैं, तो आप बताइए क्या इनको अभी भी आरक्षण की जरूरत पड़ रही है? ये बड़ा मतलब बहुत हास्यास्पद डेटा है कि अभी भी इनको आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, तो क्या ये इनको जो 100% हमारे मोदी जी हैं जो खुद ओबीसी से आते हैं, ओबीसी समुदाय से इनको वोट भी मिला है ओबीसी के नाते, और वो ब्राह्मणों के लिए मतलब जो है आरक्षण की वकालत कर रहे हैं, तो ये सवर्ण समाज में ही इनको शामिल हो जाना चाहिए था। ये समझ में नहीं आ रहा सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं या मतलब ओबीसी समाज के प्रतिनिधि हैं, तो ये इनके ऊपर एक सवाल जरूर खड़ा होगा। और इन्होंने जो ये आरक्षण जो दिया है 10%, जो पहले से ही इनकी आबादी 10% ही है, 10% पूरा का पूरा आरक्षण दे दिया है, और मंत्रिमंडल में भी जो 8 मतलब जो इनके मंत्री हैं, 8 मंत्री मतलब उसमें से 50% से ज़्यादा जो कैबिनेट मंत्री हैं वो एक ही बिरादरी के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं। और IAS का डेटा मैं आपको ये बताया, ये आपके जो मोदी जी के ही सांसद हैं उन्होंने खुद ही बताया है कि ये डेटा ये है, तो और कितना लेना चाहते हैं? अगर संसाधनों की बात करें पूरे देश की, तो अभी ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय जो 1% जो पूंजीपति हैं इस देश के, उनकी जो पूंजी थी, उनकी जो संपत्ति थी देश की, वो 48% संपत्ति, जो GDP का 48% भाग जो है 1% लोगों के पास था। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसकी, उसको देखेंगे तो 1% उन्हीं लोगों के पास में जिनके पास 48% थी 2014 में, आज उनकी संपत्ति बढ़कर के 73% हो गई है। 1% उन्हीं लोगों की संपत्ति 73% हो गई है जिनकी 48% थी 2014 में, तो उनका भी विकास हो रहा है, आर्थिक विकास उनका भी हो रहा है। एक तरफ उनका आर्थिक विकास हो रहा है, जो इस देश के 99% लोग हैं वो पीछे चले गए, गरीब होते चले जा रहे हैं। तो गरीब मतलब कौन है? जिनके IAS जो है 3600 में से 2600 IAS हैं, और जिन पूंजीपतियों की पूंजी, जिन बनियों की पूंजी जो है इस देश के अंदर 48 से 73% हो गई है 14 से लेकर के और 18 के बीच में, तो क्या इनके लिए आरक्षण की जरूरत है? और आरक्षण की इनके लिए जरूरत है? तो ये जो बड़े विडंबना की बात है कि जिनको मिलना चाहिए सामाजिक न्याय के अनुसार, जो कमजोर घोड़े हैं उनके लिए दाना नहीं मिल पा रहा है, और जो मजबूत घोड़ा है जैसे पहले से चर्बी चढ़ी हुई है वो उनके लिए लात मार रहा है कि ये इसमें मतलब हिस्सेदारी उनको नहीं देना चाहेंगे। तो इस समय सवाल आरक्षण का नहीं है, इस समय सवाल तो हिस्सेदारी का, ये नया सवाल उठ के खड़ा हो गया है। और आने वाले समय में 2019 का जो इलेक्शन आ रहा है, इसमें जो वंचित तबका है
वो जो है आरक्षण की जगह हिस्सेदारी की आवाज उठाएगा, क्योंकि हिस्सेदारी की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी और ये आरक्षण तो महात्मा गांधी ने किया था, तो ये जो महात्मा गांधी के बच्चे हैं तो इस आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं सवर्ण के नाम पे, वो जो है ये इनके लिए मोदी सरकार के लिए ये मुश्किल खड़ी करेगा, और मैं समझता हूँ इसका उनको फायदे की जगह नुकसान होगा। और मुझे लग रहा है कि ये जाते जाते ये ऐसी चीज उलझाना चाहते हैं जिससे जो आने वाली सरकार है उन्हें पता है कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और उनके लिए एक मुसीबत खड़ी करके जाने वाले हैं।